हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रीन गार्डन RPL में। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सॉयल मिक्सचर, जिससे कि हम सीडलिंग करेंगे। विंटर की सीडलिंग करनी है हमें, तो उसके लिए हमें कैसी मिट्टी बनानी चाहिए ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोकोपीट में अच्छे से सीड जर्मिनेट होते हैं। अगर आप गार्डन सॉयल में ग्रो करेंगे तो हो सकता है रिज़ल्ट आपको मिले, लेकिन बहुत कम ही रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो कोकोपीट को आपको लेना है। आप ये कोकोपीट अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए, ये आप ले लें। जैसे दो मुट्ठी अगर कोकोपीट ले रहे हैं तो उसका आधा, यानी एक मुट्ठी आप ये बजरी, या फिर जिसे सैंड कहते हैं, सैंड रिवर सैंड होनी चाहिए दोस्तों, ये सी सैंड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो समुद्र में बालू होती है वो नहीं होनी चाहिए, जो नदी में बालू निकलती है वो बालू होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो इसे मोरंग कहते हैं, सैंड कहते हैं, आपके यहाँ पे जो भी कहते हो बताइएगा ज़रूर। तो उसका आधा ये हमें लेना है मोरंग को। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मकान जहाँ पे बनते हैं वहाँ ये बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मेरे यहाँ भी जल्दी ही घर बना था, तो मेरे यहाँ पे ये काफ़ी रखा हुआ है, तो उसी में से हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है गोबर की खाद, अच्छी सी सड़ी हुई गोबर की खाद हमें लेनी है, वो भी आधा। कोकोपीट दो मुट्ठी है, तो एक मुट्ठी में गोबर की खाद लेनी है और एक मुट्ठी में सैंड लेना है। और ये गोबर की खाद जो है अच्छी सी सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी जो है कम सड़ी होगी तो फिर ये जो है पौधों को, सीडलिंग्स को नुकसान करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी से सड़ी हुई है, मेरे पास ये काफ़ी टाइम से रखी है, तो ये मैंने ले लिया है। और आप चाहें तो इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी आप खाद ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कोई भी कंपोस्ट आपके पास है तो वो ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है तो वो ले सकते हैं। तो आपको खाद भी लेना है, खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, थोड़ी ही मात्रा में डालनी है। तो ये तीनों चीज़ों को मिक्सचर हमें लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हम सीडलिंग ट्रे में भरेंगे और फिर सीडलिंग करेंगे। तो आइए इसे मिक्स करते हैं। आप ये सभी काम करते समय ग्लव्स ज़रूर पहने। कोकोपीट दोस्तों सीडलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सीड बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं दो बार ट्राई कर चुकी हूँ गार्डन सॉयल में सीड को जर्मिनेट करने के लिए, लेकिन दो चार सीड ही निकल रहे थे, बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट था उसका। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोकोपीट में ही ग्रो करेंगे, और कोकोपीट में पिछली बार मैंने ग्रो किया था, बहुत अच्छे से इसमें सीड्स ग्रो हुए थे, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है आप इसे यूज करें। आप भी चाहें तो एक गार्डन सॉइल में भी आप ग्रो करके देख सकते हैं, सैंड में भी बहुत अच्छे से सीड ग्रो होते हैं, तो सैंड में भी आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ दोस्तों जब हम करते हैं तो उसे करते करते ही सीखते हैं, तो आप अपना अनुभव भी ज़रूर शेयर करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम सीडलिंग ट्रे में भर लेते हैं।
फ्रेंड्स, इन सभी सीड्स को लगाए 3 दिन हो चुके हैं और अब आइए इनका हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो अगर आपने इस पूरा वीडियो देखा होगा तो आप ये जान पाएंगे कि ये सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और इनका मैंने सीडलिंग किया है, बीज लगा दिए हैं और अब इनका रिज़ल्ट देखते हैं दोस्तों। तो नन्हे नन्हे से जो सीडलिंग्स हैं वो निकल रहे हैं और देख करके इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह उठ करके सबसे पहले इन्हीं के पास आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बीज आज निकल रहे हैं। तो अभी 3 ही दिन हुआ है और वो भी 3 दिन शाम को होगा, अभी दोपहर का टाइम है। ये गेंदे के हैं जो कि मैंने ये 7 इंची पॉट में लगाया है और ये जो है येलो कलर का गेंदा का फूल है, मैरीगोल्ड उसका है। देखिए 3 इसमें निकले हुए हैं और एक ये आपको दिखाऊं, ये भी निकल रहा है। तो ये अभी जर्मिनेट हो रहे हैं और आइए दिखाती हूँ आपको। ये दोस्तों फ्रेंच मैरीगोल्ड है जिसमें कि मिक्सअप कलर है, तो इसमें भी देखिए 4-5 निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आपने सीडलिंग अभी तक नहीं की है तो आप भी इस वेबसाइट से मंगा सकते हैं सेलर से, और काफ़ी रिजनेबल रेट भी था इनका। तो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है दोस्तों और उसके बाद ये इसमें लगाया है, इसमें भी मैरीगोल्ड ही है, ये है ऑरेंज कलर का। तो इसमें भी देखिए 2-3 निकल रहे हैं छोटे छोटे से, एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये तो रही मैरीगोल्ड की सीडलिंग। अभी केल भी लगाया है तो केल में अभी एक भी स्प्राउट नहीं दिखे हैं, देखते हैं ये कब तक जर्मिनेट होते हैं दोस्तों। उसके बाद मैरीगोल्ड के इतने ज़्यादा सीड्स थे कि ये 2-3 पॉट में मैंने लगाया। उसके बाद ये जो सीडलिंग ट्रे है इसमें भी पूरा 49 होल्स हैं, इस पर भी मैंने मैरीगोल्ड ही लगाया है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, ये देखिए 5-6 इसमें भी बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, देख करके बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी अभी स्प्राउट्स नहीं निकले हैं, इसमें नेमिंग करने की बजाय मैंने ये नीचे इसका रैपर रख दिया है तो जिससे ये पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से सीड मैंने लगाए हैं। तो ये पेंजी और स्वीट पी और ये नेस्ट्रीशियम, ये तीनों मैंने इस ट्रे में लगाए हैं और ये इसमें लगाया है मिनी सनफ्लावर। तो आइए इसको भी दिखाती हूँ। तो ये मिनी सनफ्लावर है फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए 1 स्प्राउट निकल रहा है और तो अभी नहीं निकले हैं इसमें। और इसके बगल में है ये डायंथस और इसमें भी सनफ्लावर लगाया है क्योंकि सनफ्लावर के काफ़ी ज़्यादा सीड्स थे। और उसके बाद इसमें लगाया है जीनिया और डहलिया और बर्बीना। तो ये जो है जीनिया का एक सीड्स ग्रो हो रहा है और डहलिया के भी कई सारे सीड्स ग्रो हो रहे हैं, ये डहलिया का है और ये भी डहलिया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा जो कि बहुत सुकून दे रहा है देख करके। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट होगा, आप भी ऐसा कर पाएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।